गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अखिल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मीन्स किन की एसोसिएशन है ये। साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं हमारी 10, उनमें से साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारी 10 कंट्री है उनकी एसोसिएशन है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। और उस टाइम जो ये एस्टेब्लिश हुई थी, उस ये फाउंड करी थी, तब थे इसमें 5 मेंबर, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। अभी है इसमें 10 कंट्रीज जो प्रमोट करती है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन इसके मेंबर्स में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और ये एंगेज रहती है साउथ पैसिफिक रीजन से और उसके बाहर भी। उसके बाहर कैसे, ये एससीओ का मेजर पार्टनर है और इसके 10 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जो एशिया से बाहर पड़ते हैं अपने, जैसे यूएसए है उनमें। ये हो गई अपनी इसकी आसियान के मेंबर कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो अपनी आसियान की परमानेंट मेंबर हैं। ये इसका फ्लैग हो गया, ये इसका एम्बलम हो गया, ये इसका मोटो हो गया, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। और इसका एंथम हो गया द एशियन वे। इसकी वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश और इसकी जो अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है 10। उनमें कौन कौन से है, बर्मीज, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, कहमेर, लाओ, मलाय, मैंडेरियन, तमिल, थाई एंड वियतनामीज। और जो इसकी मेंबरशिप है वो 10 कंट्रीज और, लेकिन इसके साथ साथ दो इसके दो ऑब्जर्वर कंट्रीज और हैं, वो है पापुआ न्यू गिनी एंड टाइमोर लेस्टे। और जो इसके लीडर लीडर हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इसके, लिम जोक होइमोन। एस्टेब्लिश हुई थी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। और इसका जो चार्टर एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 2008 में। अब बात कर लेते हैं हम इसके बियॉन्ड आसियान प्लस थ्री कंट्रीज किनको बोला जाता है। आसियान की 10 हो गई और प्लस थ्री चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये किसके लिए बनी थी, फर्स्ट ऑफ अटेम्प्ट फॉर फर्दर इंटीग्रेशन टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग टाइज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मीन्स जो साउथ ईस्ट एशिया की जो टाइज हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, ये आती है हमारे ईस्ट एशियन में, ये उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए आसियान प्लस थ्री डेवलप हुआ था। और इसके बाद फिर ये फॉलोअप हुई ईस्ट एशिया समिट से, तब इसमें 3 कंट्री और ऐड हो गई थी। वो कौन सी थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और जो ये टोटल आसियान प्लस थ्री और प्लस थ्री और ये आसियान प्लस सिक्स मीन्स 16 कंट्रीज, इनका जो मेजर पर्पज था वो था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशियो कल्चर, आर्किटेक्चर एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमी में इसका पार्टिसिपेशन देना। और जो आसियान प्लस सिक्स ये कंट्री बनी थी हमारी, आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये किसके लिए था, ये एफटीए था किन कंट्रीज के बीच में। ये 16 कंट्रीज हो गई टोटल 10 आसियान की और प्लस सिक्स ये, तो ये था उनके बीच में था ये एफटीए। और इसमें ताइवान ऐड नहीं था क्योंकि जो ऑटोनोमस रीजन है ये चाइना का, और चाइना का इन्फ्लुएंस एशिया पैसिफिक में ज्यादा है, तो ये इसमें ज्वाइन नहीं था। अब हमारा नेक्स्ट आसियान में, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये एस्टेब्लिश हुई थी 2015 में। ये सिर्फ आसियान कंट्रीज के लिए काम करता है, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन अक्रॉस द रीजन। ये आइडिया जो दिस आइडिया वाज टू मूव साउथ ईस्ट एशिया टूवर्ड्स ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सिंगल मार्केट एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन बेस्ड। जैसे अपनी यू यू है जो जो लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है अपनी वर्ल्ड में, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसी में ये मूव कर रहा है। और एशिया को, जो आसियान कंट्रीज हैं उनको एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट करने की जो बात है वो इसमें हुई थी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी में। इसमें होगा जो अपना फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा, सर्विस होगा, लेबर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और कैपिटल क्रॉस होएगी इनमें। जो था कैपिटल अक्रॉस मीन्स इसमें एक सिंगल जो करेंसी है वो, जैसे अपने यूरो जोन है अपना यूरोपियन यूनियन में, वो उसकी तरफ ही उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है इसके 10 मेंबर्स कंट्री में। और जो इसका विजन है 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी, दो 10 साल का इसका विजन है, एसी ब्लू प्रिंट में है, उसमें क्या क्या है, हाईली इंटीग्रेटेड एंड कोहेसिव इकोनॉमी, कम्पिटिटिव, इनोवेटिव एंड डायनामिक आसियान, एनहेंस कनेक्टिविटी एंड सेक्टोरल कोऑपरेशन, रेजिलियंट, इंक्लूसिव, पीपल ओरिएंटेड एंड पीपल सेंट्रल रीजन एंड ए ग्लोबल आसियान। मीन्स ए ग्लोबल वे में इसका काम करना, ये सबका इसका विजन था एईसी का। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा आसियान रीजनल फोरम एआरएफ, ये 1993 में बना था। इसमें थे हमारे टोटल 27 मेंबर्स, 10 हो गई आसियान कंट्रीज।
और टेनिस के डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हो गए इसके? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, ईयू, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मीन साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रसिया एंड यूएसए। और 7 अदर कंट्रीज थी, वो कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पब्लिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया मीन्स नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते एंड श्रीलंका। ये पपुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्ते इसके ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं। इसके बाद थी हमारा ये ईस्ट एशिया समिट, जिसके फॉलो अप से हमारी आरसेप बना था, आसियान प्लस 6 कंट्रीज। ये लार्जेस्ट अपनी समिट थी इनकी, जो इसमें थे हमारे टोटल 18 मेंबर्स। इनमें 18 कौन कौन थे? 10 आसियान हो गए, और साथ में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, यूएसए एंड साउथ कोरिया, जो इसमें अलग थे। और जो ईएस थी, जो ईस्ट एशिया समिट, ये रिप्रेजेंट करती थी 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और ये में अपनी एशियान प्लस 3 कौन कौन सी थी? आसियान कंट्रीज 10, चाइना, जापान एंड कोरिया, ये थी। और आसियान प्लस 6 ये टोटल हमारा आरसेप ग्रुप है, इसमें हमारी टोटल होगी 16 कंट्रीज। अब हम थोड़ा जान लेते हैं आरसेप के बारे में भी, ये क्या था। ये 2012 में नेगोशिएटिव हुआ था कंबोडिया की समिट में आसियान की, और इसमें फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हुए। इसमें जो नेगोशिएशंस थी वो होती गई, लेकिन इंडिया ने इसमें फाइनली 2019 में बैंकॉक थाईलैंड वाली समिट में इसको कैंसिल कर दिया था कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करे थे इंडिया के? इसके लिए जो इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, वो उसके थे, जैसे एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और उसका जो सर्विस सेक्टर था, उसके सर्विसेज से रिलेटेड इशू थे, वो इसमें एड्रेस नहीं हुए थे और इंडिया इनसे सेटिस्फाई नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया को इसे स्टेप बैक करना पड़ा। ये इंडिया की डोमेस्टिक आइडेंटिटी के लिए बहुत मीन्स उसके लिए अच्छी नहीं थी, और उसके लिए मीन्स ये काफ़ी सारे हर्डल्स क्रिएट करती है, और उसकी इंडिया की इकोनॉमी को इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता था। अब जहाँ इस जैसे आरसीपी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये अकाउंट करती थी 39% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 26% ऑफ ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एफडीआई एंड 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये था इसकी इन्फॉर्मेशन आरसेप के बारे में, और ये हमारी फर्दर जो नेगोशिएशन हुई आरसेप में, वो इसको एस्टेब्लिश हुई थी 2012 में ये आसियान की कंबोडिया की समिट में, लेकिन इंडिया ने इसको स्टेप बैकअप किया इसे 2019 में। तब ये 2015 समिट में, 18 में, फिर बाद में 18 में इसमें जो नेगोशिएशन वो चलती रही थी, लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया। ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर आसियान के बारे में, आसियान कैसे बना, इसके मेंबर्स, हेडक्वार्टर, इसकी लैंग्वेज, इसके ऑब्जर्वर, डायलॉग पार्टनर्स और इसके जो ईएसी, एआरसी, आरसेप वगैरह, हम इसमें सब कुछ डिस्कस किया। ये था हमारा टोटल डिस्कशन आज का। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे को फॉलो करने के लिए लिंक है इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तब तक अगले लेक्चर तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।